हाँ विद्यार्थी जी, 76 नंबर क्वेश्चन से विद्यार्थी जी पुनः स्टार्टिंग कर रहे हैं बाबू, आवाज़ की गड़बड़ियाँ आ रहा था विद्यार्थी जी, है ना। तो जरा देखिएगा, कहता विद्यार्थी जी न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। तो जरा देखना विद्यार्थी जी, किसी के भी न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक विद्यार्थी जी कौन दर्शाता है? तो विद्यार्थी जी कहता हाइड्रॉन, ना बाबू। न्यूट्रॉन, ना विद्यार्थी जी। इलेक्ट्रॉन, नहीं विद्यार्थी जी। यानी कि बाबू जेड इक्वल टू क्या होता है? जेड इक्वल टू पी होता है विद्यार्थी जी, है ना। तो यानी कि परमाणु क्रमांक कौन दर्शाता है बाबू? तो विद्यार्थी जी परमाणु क्रमांक दर्शाता है प्रोटॉन विद्यार्थी जी। परमाणु क्रमांक कौन दर्शाता है? प्रोटॉन विद्यार्थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में, तो 77 कहता है विद्यार्थी जी कि निम्नलिखित में से किस एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तो जरा देखो विद्यार्थी जी, भार कब बढ़ता है विद्यार्थी जी? भार जब बढ़ता है विद्यार्थी जी, जब परमाणु संख्या बढ़ते जाता है ना। तो कहता है बाबू परमाणु द्रव्यमान पर डिपेंड करता है भार? ना विद्यार्थी जी, परमाणु द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना। तो कहता परमाणु त्रिज्या पे तो नहीं करेगा, एवोगाड्रो की संख्या पे तो नहीं करेगा, तो किस पे करेगा? परमाणु क्रमांक पे करेगा विद्यार्थी जी। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, अब विद्यार्थी जी परमाणु क्रमांक बढ़ने का मतलब है विद्यार्थी जी कि ये कब बढ़ रहा है? जब विद्यार्थी जी प्रोटॉन की संख्या बढ़ रहा है, जब बाबू प्रोटॉन की संख्या बढ़ रहा है विद्यार्थी जी, है ना। अब नेक्स्ट विद्यार्थी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बाबू, नेक्स्ट कहता है विद्यार्थी जी कि नेक्स्ट कहता है बाबू कि किसी तत्व में विद्यार्थी जी परमाणु क्रमांक 9 है, परमाणु क्रमांक 9 है विद्यार्थी जी। और कहता है बाबू परमाणु द्रव्यमान जो है, परमाणु द्रव्यमान जो है विद्यार्थी जी 19 है, और परमाणु क्रमांक कितना है? 9 है। तो जरा देखो विद्यार्थी, कहता है कि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, है ना। और फिर कहता है विद्यार्थी जी न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है? तो कहता ए माइनस पी भी लिख सकते हैं और जेड भी लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे कंडीशन में विद्यार्थी जी जरा देखिएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या आराम से निकाल लेंगे, द्रव्यमान कितना 19 है विद्यार्थी जी, माइनस कितना 9। क्यों 9 है बाबू? क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या हमारा कितना दिया हुआ है? तो 9 दिया हुआ। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आपस में बराबर होता है, इसलिए कितना हो गया जी? तो 9 हो गया, है ना। तो विद्यार्थी जी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। क्यों होगा जी? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या 9, इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 और न्यूट्रॉन की संख्या निकाले हैं तो कितना आया है यहाँ पर? 10 आया है, तो इसलिए न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 10 हो गया विद्यार्थी जी, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना विद्यार्थी जी? तो ठीक से पढ़ना है विद्यार्थी जी, ठीक ना विद्यार्थी जी। जरा अब आगे जरा देखते हैं बाबू, आगे कहता है विद्यार्थी जी कि किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होता है? किसके बराबर होती है? किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आखिर किसके बराबर होती है? तो कहता है विद्यार्थी जी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता के बराबर होता है? ना विद्यार्थी जी, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बराबर नहीं होता है बाबू। तो फिर कहता है विद्यार्थी जी समतुल्य भार के बराबर होता है? तो नहीं होता है। परमाणु भार के बराबर होता है? तो नहीं होता है। यानी कि बाबू किसके बराबर होता है? तो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है विद्यार्थी जी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। कैसे? जरा देखिएगा, कहता है विद्यार्थी जी कि परमाणु क्रमांक इक्वल टू जेड बाबू, तो जेड इक्वल टू पी या पी इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए विद्यार्थी जी किसके बराबर? तो विद्यार्थी जी परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी जी 80 नंबर
कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। तो किसका द्रव्यमान सबसे कम होता है विद्यार्थी जी, तो जरा देखो बाबू पूरे पीरियोडिक टेबल में देखिएगा विद्यार्थी जी, तो सबसे परमाणु द्रव्यमान यदि किसी का कम है बाबू तो विद्यार्थी जी किसका कम है। कहता है विद्यार्थी जी परमाणु द्रव्यमान जो है विद्यार्थी जी सबसे कम हाइड्रोजन का होता है, क्योंकि विद्यार्थी जी परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक बराबर विद्यार्थी जी वन और द्रव्यमान भी बराबर क्या होता वन, आ इससे कम विद्यार्थी जी किसी का पीरियोडिक टेबल में है ही नहीं। तो इसलिए बाबू बाकी के बारे में तो सोचना विद्यार्थी जी बेकार, तो कौन सा ऑप्शन बी नंबर मेरा सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है बाबू जरा आइए हम लोग देखते हैं। कहता है एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। तो जरा देखो विद्यार्थी जी इसमें हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में कहता है बाबू कि एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है, यानी कि जेड बराबर क्या हुआ बाबू वाट। तो जबकि विद्यार्थी जी जेड बराबर वाट है तो क्या कहता है जेड इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। तो जरा देखिए किसका संख्या दिया हुआ है, तो कह रहा 10 प्रोटॉन है। तो जब 10 प्रोटॉन है ये है चेला, तो इसमें विद्यार्थी जी परमाणु संख्या कितना होगा, तो 10 ही होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बी नंबर सही हुआ चे, है ना। तो विद्यार्थी जी नेक्स्ट क्वेश्चन में अब चलते हैं, क्वेश्चन को समझना है बाबू। कहता हाइड्रोजन का अणु का नाभिक किससे बना होता है, तो जरा देखिए विद्यार्थी जी हाइड्रोजन का अणु का नाभिक किससे बना होता है ये पूछ रहा है विद्यार्थी। तो जब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन का अणु जो है उसका विद्यार्थी जी नाभिक किससे बना होता है, तो जरा देखना है बाबू हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक और परमाणु संख्या भी विद्यार्थी जी क्या एक हो गया। तो जरा देखोगे विद्यार्थी जी कि ए इक्वल टू फार्मूला होता है पी प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और तभी ये संभव होगा विद्यार्थी जी ये वाला वन, जब बाबू यहाँ प्रोटॉन की संख्या वन रहेगा और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जीरो रहेगा। क्योंकि विद्यार्थी जी प्रोटॉन की संख्या तो सब जानते हैं या परमाणु क्रमांक सब जानते हैं हाइड्रोजन का कि वन होता है, और इसलिए विद्यार्थी जी परमाणु क्रमांक किस पे डिपेंड करता है, तो प्रोटॉन की संख्या पर, तो प्रोटॉन की संख्या भी वन हो गया। अब जरा देखिए कि जब विद्यार्थी जी इसका ए बराबर भी वन हो गया आ इसका जेड बराबर भी विद्यार्थी जी वन हो गया, या तो कहिए तो पी बराबर भी वन हो गया, तो जरा देखो बाबू अब इसका विद्यार्थी जी हाइड्रोजन का जो नाभिक है वो क्या चीज़ से बना हुआ रहेगा, तो वनली फोर क्या चीज़ से प्रोटॉन से, तो वनली फोर क्या चीज़ से विद्यार्थी जी प्रोटॉन से बना हुआ रहेगा, है ना। तो विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ए नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं विद्यार्थी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बाबू। कहता है विद्यार्थी जी पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा। तो जरा देखना विद्यार्थी जी बेसिक जानकारी। कहता है बाबू, कहता है विद्यार्थी जी कि जेड इक्वल टू है ना, यानी कि परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू विद्यार्थी जी प्रोटॉन की संख्या, आ प्रोटॉन की संख्या इक्वल विद्यार्थी जी इलेक्ट्रॉन की संख्या, और कहता है बाबू कि द्रव्यमान संख्या इक्वल टू फार्मूला हो जाता है, कहता है प्रोटॉन की संख्या आ प्लस किसका संख्या न्यूट्रॉन की संख्या, आ इसमें हमसे पूछा है क्या न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो अब जरा देखो बाबू द्रव्यमान की संख्या कितना दिया हुआ है 39, आ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या कितना है बाबू या परमाणु संख्या कितना है विद्यार्थी जी यहाँ पे बता दिए हैं कि प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या क्या होता है बराबर होता है, इसलिए विद्यार्थी जी यहाँ पे कितना माइनस 19 आया कितना 20, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा विद्यार्थी जी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू, ए हो गया सही विद्यार्थी जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं विद्यार्थी जी, सब समझ में आ रहा ना।
तो बाबू कमेंट शेयर करो विद्यार्थी जी, कुछ तो बताओ, ऐसे पता चलेगा कि कौन देख रहे हैं ना देख रहे हैं जी। आइएगा विद्यार्थी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बाबू कार्बन परमाणु के बारे में, कार्बन के बारे में, कार्बन के परमाणु के बारे में कि कार्बन का परमाणु जो संख्या है वो 6 है और द्रव्यमान संख्या है जो विद्यार्थी जी कितना है, द्रव्यमान संख्या जो है बाबू 12 है। तो कहता है विद्यार्थी जी इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो जरा देखिएगा विद्यार्थी जी इसका स्टेटमेंट। तो यहाँ पे 12 कह दिया विद्यार्थी जी, यहाँ 6 कह दिया, तो जरा देखना है बाबू। तो हम पहले निकाल लेते हैं कि जेड इक्वल टू हमारा कितना विद्यार्थी जी, तो जेड इक्वल टू 6 आ पी प्रोटॉन इक्वल टू कितना, तो 6 आ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना, तो 6 क्योंकि आपस में क्या होता है बराबर होता है। और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है विद्यार्थी जी, तो ए माइनस क्या होता है बाबू प्रोटॉन, तो विद्यार्थी जी न्यूट्रॉन इक्वल टू भी क्या हो गया 6, यानी सब इक्वल टू 6, तो कौन सा आप सही होगा। कहता है 12 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन गलत है ना, फिर कहता है इसमें 12 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन ये भी गलत, क्यों क्योंकि सारा का सारा हमारा 6 आया है विद्यार्थी जी। अब इसमें कह रहा बाबू इसमें 6 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन ये भी गलत, अब कहता है इसमें न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन ये वाला ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही है विद्यार्थी जी, तक कौन सा हो गया आंसर बाबू 4 हो गया विद्यार्थी जी, ऑप्शन नंबर 4 हो गया बाबू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में विद्यार्थी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबू कि एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो जरा देखिएगा विद्यार्थी जी, द्रव्यमान संख्या इक्वल टू फार्मूला होता है। कहता है बाबू द्रव्यमान संख्या इक्वल टू फार्मूला में विद्यार्थी जी सूचित किया जाता है द्रव्यमान संख्या को ऐसे, अब विद्यार्थी जिसका फार्मूला होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या विद्यार्थी जी होता है बाबू जेड प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या होता है विद्यार्थी जी इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो जरा देखो बाबू हमको दिया हुआ है क्या जी, तो दिया हुआ है विद्यार्थी जी प्रोटॉन की संख्या, तो इस पर कितना दिया हुआ 10, फिर कहता न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ विद्यार्थी जी, तो 17, ये 17 और ये 10, तो विद्यार्थी जी 17 10 कितना, तो 27 और 27 आ गया हमारा द्रव्यमान संख्या कौन सा, तो बी नंबर सही हो गया बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बाबू जरा ध्यान से देखना है बच्चा, कहता है विद्यार्थी जी कि यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं तो तत्व की द्रव्यमान संख्या, सेम क्वेश्चन है बाबू, तो सेम दवाई लगाओ विद्यार्थी जी कौन सा, तो कहता है विद्यार्थी जी द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो कितना हो गया, तो कहता प्रोटॉन की संख्या 11 और न्यूट्रॉन की संख्या प्लस 12, तो कितना 23, कौन सा ऑप्शन सही, तो विद्यार्थी जी चौथा नंबर सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं विद्यार्थी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबू क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी जी नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कि बाबू हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम होते हैं, आ जरा देखो विद्यार्थी जी समस्थानिक का मतलब क्या होता है, समस्थानिक का विद्यार्थी जी अंग्रेजी नाम आइसोटोप, आ विद्यार्थी जी समस्थानी यानी स्थान जिसका समान हो, स्थान जिसका समान हो यानी परमाणु संख्या समान हो, लेकिन विद्यार्थी जी न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, भिन्न हो, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो, तो जरा देखिएगा विद्यार्थी जी यहाँ पे हाइड्रोजन के समस्थानिक किसका चर्चा किया है, तो चर्चा किया विद्यार्थी जी ड्यूटेरियम का बाबू, तो विद्यार्थी जी ऐसे यदि हाइड्रोजन बोला जाए तो परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान 1, लेकिन विद्यार्थी जी यहीं पर ड्यूटेरियम का बोला जाए विद्यार्थी जी तो इसमें क्या हो जाता बाबू प्लस एक्स, यानी कि विद्यार्थी जी न्यूट्रॉन की संख्या मौजूद होता है, इसलिए विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा, तो कहता है एक, हाँ यहाँ पर विद्यार्थी जी 0 न्यूट्रॉन गलती बाबू, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या हो रहा है विद्यार्थी जी ऐड हो रहा है, एक प्रोटॉन तो सही है लेकिन 0 न्यूट्रॉन कहा वो यहाँ गलत,
कहता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। हाँ विद्यार्थी ये सही है। कहता है एक इलेक्ट्रॉन और दो न्यूट्रॉन, ये भी गलत है। एक न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन, ये भी गलत है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो गया जी? तो बी नंबर हो गया विद्यार्थी जी, मेरा सही हो गया बाबू, बी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बाबू कि विद्यार्थी जी कह रहा आइसोटोप या समस्थानिक क्या है, तो अभी भी बतला रहे थे बाबू कि आइसोटोप में क्या होता है विद्यार्थी जी, परमाणु संख्या विद्यार्थी जी बराबर होते हैं, और बाबू विद्यार्थी जी न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होता है। तो जरा ऑप्शन देखते हैं। कहता है एक तत्व के परमाणु जो समान परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या रखते हैं, इसलिए उनके भौतिक गुण समान होते हैं, उनके भौतिक गुण समान होते हैं। तो जरा देखिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पे कह रहा है एक तत्व के परमाणु जो समान परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या समान रखते, तो यही गड़बड़ हो गया। द्रव्यमान संख्या विद्यार्थी जी क्या होगा? अलग अलग रखते हैं। कहता है एक तत्व के विभिन्न रूप में जिनमें एक ही परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या लेकिन भौतिक गुण भी नहीं, ये भी गड़बड़ है विद्यार्थी जी। कहता है एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही द्रव्यमान संख्या है लेकिन परमाणु क्रमांक भी नहीं, ये भी गड़बड़ है। परमाणु क्रमांक भिन्न नहीं होता है, ये वाला विद्यार्थी जी किसमें हो जाएगा? तो बाबू संभारिक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? संभारिक विद्यार्थी जी, या बाबू अंग्रेजी में बोले तो आइसोबार। विद्यार्थी जी चौथा नंबर कहता है, चौथा नंबर में कहता है बाबू एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक है, एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? भिन्न है। तो हाँ विद्यार्थी जी द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है इसमें, है ना। तो कौन सा ऑप्शन बाबू? डी नंबर सही हो जाएगा विद्यार्थी जी, डी नंबर सही हो जाएगा बाबू। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी जी 89 में बाबू, 89 जब पहुंच गए विद्यार्थी जी तो 100 तक को ही तो कराना है आज है विद्यार्थी, है ना। तो जरा क्वेश्चन को पहले विद्यार्थी जी पढ़ना। कहता है बाबू कि एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन हो तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? यानी कि विद्यार्थी जी हमारा यहाँ पे दिया गया है क्या क्या चीज़ बाबू? तो कहता है विद्यार्थी जी जेड दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है यानी परमाणु क्रमांक दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है विद्यार्थी जी परमाणु क्रमांक? तो कहता है बाबू परमाणु क्रमांक नहीं दिया, परमाणु क्रमांक पूछ रहा है विद्यार्थी जी। तो हमारा दिया हुआ क्या है? द्रव्यमान दिया हुआ बाबू। कितना था? 298, है ना। कहता है विद्यार्थी जी और क्या दिया हुआ है? तो न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है बाबू। न्यूट्रॉन कितना है? 189 विद्यार्थी जी। अब हमसे पूछ रहा है बाबू कि परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो देखो विद्यार्थी जी परमाणु क्रमांक जो है विद्यार्थी जी, कहता है बाबू कि P इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाता है या जेड इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाता है? तो सेम होता है, यानी कि A माइनस क्या तो न्यूट्रॉन। तो हमारा A कितना विद्यार्थी जी? 298 और माइनस कितना? 189। तो विद्यार्थी जी आंसर कितना आ गया? आंसर आ जाएगा बाबू इसका विद्यार्थी जी 109 आ गया विद्यार्थी जी। ऑप्शन नंबर एक सही हुआ घटाने पे विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका बदल जाता? हाँ चीला, जब विद्यार्थी जी परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या बदल दीजिएगा तो जरा देखिए क्या क्या बदलेगा। जरा देखिएगा विद्यार्थी जी परमाणु का न्यूट्रॉन कहाँ पर मौजूद होता है? नाभिक में। और नाभिक विद्यार्थी जी नाभिक क्या होता है बाबू? तो नाभिक कहता है विद्यार्थी जी यानी कि आपका परमाणु द्रव्यमान किस पे डिपेंड करता है? तो कहता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पर। आ यहाँ कह रहा है एक जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो क्या हो जाएगा? तो जरा देखिएगा विद्यार्थी जी प्रोटॉन का तो वहीं रहे सेम रहने दिया और न्यूट्रॉन की संख्या को बदला जा रहा। तो विद्यार्थी जी प्रोटॉन सेम और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग, तो यानी द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग।
तो इस कंडीशन में विद्यार्थी जी क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में विद्यार्थी जी आपका बाबू समस्थानिक हो जाएगा, आइसोटोप हो जाएगा, है ना, आइसोटोप हो जाएगा विद्यार्थी। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए नंबर। क्यों विद्यार्थी जी, फिर से जरा समझो बाबू, समस्थानिक, समस्थान यानी प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक सेम हो और द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न। तो द्रव्यमान संख्या कब भिन्न रहेगा, जब उसका न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहेगा, है ना, क्योंकि विद्यार्थी जी द्रव्यमान किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ तो कहीं रहा है कि जितना भी तत्व एक ही समस्थानिक का प्रोटॉन क्या होगा, तो कह रहा प्रोटॉन सबका बराबर होगा, तो न्यूट्रॉन ना अलग अलग होगा, इसलिए विद्यार्थी जी न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो क्या हो जाएगा, समस्थानिक हो जाएगा बाबू, है ना। तो विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो गया सही बाबू। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं विद्यार्थी जी, नेक्स्ट में कहता है बाबू अमोनिया में, अमोनिया में विद्यार्थी जी, है ना, तो अमोनिया में कह रहा है बाबू, तो इस क्वेश्चन में कहता विद्यार्थी जी अमोनिया में एन और एच के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होते हैं। कहता विद्यार्थी जी एम एन और एच के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होते हैं, तो जरा देखिएगा विद्यार्थी जी कैसे रहता है बाबू, तो एन एच थ्री रहता है विद्यार्थी जी, एन एच थ्री रहता है। आ जरा देखना है बाबू इसका परमाणु विद्यार्थी जी द्रव्यमान संख्या कितना था, 14। आ इसका विद्यार्थी जी द्रव्यमान संख्या कितना, तो 1, लेकिन वैल्यू कई गो है, 3 गो एच है, तो विद्यार्थी जी 1 गुने कितना, 3, आ इसलिए कितना बाबू ऊपर ही कर देते हैं, तो 14 और रेशियो 3, तो कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला मैच किया विद्यार्थी जी, है ना, क्या ठीक है ना जी, समझ में आ रहा है ना, तो जरा देखिएगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, 92 में कहता है बाबू कि रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण है। कहता है कि रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है, यानी कि विद्यार्थी जी इसका मतलब हो गया बाबू कि विद्यार्थी जी उनके परमाणु क्रमांक समान होते तभी समस्थानिक गुण हो सकता है, तब परमाणु क्रमांक जब समान होगा विद्यार्थी जी तब ये समस्थानिक होगा, आ यदि विद्यार्थी जी द्रव्यमान संख्या समान होगा तो संभारिक हो जाएगा, यानी समान भार का हो जाएगा। तो विद्यार्थी जी जरा देखिएगा ऑप्शन नंबर का विद्यार्थी जी कौन कौन है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होना चाहिए बाबू, बराबर होना चाहिए सभी तत्वों का, है ना, तब प्रोटॉन की संख्या बराबर और द्रव्यमान संख्या भिन्न, तब ये जा करके विद्यार्थी जी क्या होता है, समस्थानिक होता है। कहता उनके परमाणु द्रव्यमान समान, गलत चेला, ये संभारिक हो जाएगा, समभारिक चेला, है ना, या आइसोबार। कहता उनके परमाणु क्रमांक समान, तो हाँ विद्यार्थी जी एक ऑप्शन तो ये सही हो गया। कहता ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं, तो विद्यार्थी जी भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं, तो ये तो सही है बाबू, ये भौतिक गुण विद्यार्थी जी भिन्न प्रदर्शित कर सकते हैं, भिन्न प्रदर्शित विद्यार्थी जी ये कर सकते हैं, भिन्न कर सकते हैं। तीसरा नंबर में कह रहा, चौथा नंबर में विद्यार्थी जी कौन सा ये हो गया, चौथा नंबर में कह रहा ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। कहता विद्यार्थी जी समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, भौतिक गुण विद्यार्थी जी भिन्न और रासायनिक गुण क्या समान, तो ये भी सही हो गया बाबू, ये भी सही है, तो विद्यार्थी जी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर बाबू। क्यों, क्योंकि दूसरा और तीसरा और चौथा क्या है, सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है विद्यार्थी जी, और आपका पहला क्या है, ये बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी करा बाबू, परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है विद्यार्थी जी, परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, तो कैसे होता है जरा देखिए। कहता परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, तब विद्यार्थी जी परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है तो क्या कहलाएगा, परमाणु द्रव्यमान जब भिन्न हो और परमाणु संख्या विद्यार्थी जी समान हो, ना यहाँ पे उल्टा बोला जा रहा है विद्यार्थी जी, परमाणु परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो, हाँ विद्यार्थी सही हो गया, परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है तो किसका होता है, संभारिक का, नहीं संभारिक में समान होता है, एक्टिनाइड्स का, ये भी नहीं विद्यार्थी जी,
समयावी का? तो नहीं बाबू, तो किसका? समस्थानिक का। कौन सा? तो बी नंबर विद्यार्थी, क्योंकि समस्थानिक क्या कहता है, सब प्रोटॉनों की संख्या समान हो और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो, और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहने के कारण उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा, भिन्न हो जाएगा, इसलिए विद्यार्थी जी समस्थानिक हो गया। अब नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट कहता है विद्यार्थी जी, नेक्स्ट कहता है बाबू कि यह अवधारणा है कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं कि खोज से गलत सिद्ध किया गया था। तब विद्यार्थी जी कहता है किसके खोज से गलत सिद्ध किया गया था? तब विद्यार्थी जी जरा देखिएगा, ये सिद्ध किया गया था रेडियो धर्मिता से? ना विद्यार्थी जी, ये भी गड़बड़ है। संभारिक? तो ना बाबू, संभारिक में द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, यानी ए इक्वल टू यू होता है। अपरूपता विद्यार्थी जी, तो ये भी गड़बड़ है विद्यार्थी जी। कौन होगा बाबू? तो समस्थानिक होगा। इसमें क्या कहता है? कहता प्रोटॉन सभी का क्या होता है, बराबर, और न्यूट्रॉन क्या होता है, तो विद्यार्थी जी बड़ा छोटा रह सकता है। किसी परमाणु का न्यूट्रॉन विद्यार्थी जी जब उसका समस्थानिक रहेगा तो अलग रहेगा और दूसरे का अलग रहेगा, इसलिए विद्यार्थी जी बड़ा छोटा हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है विद्यार्थी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बाबू, समझ में आ रहा ना विद्यार्थी जी? नहीं समझ में आ रहा बाबू तो कमेंट्स करिए विद्यार्थी जी, कुछ बताइएगा तभी ना पता चलेगा, है ना, तब दोबारा विद्यार्थी जी उसको रिपीट करेंगे। कहता है प्राकृतिक क्लोरीन के दो समस्थानिक हैं, प्राकृतिक क्लोरीन के दो समस्थानिक हैं, तो एक का विद्यार्थी जी यहाँ पे जरा देखो बाबू, परमाणु द्रव्यमान 35 और एक का परमाणु द्रव्यमान विद्यार्थी जी कितना? तो कहता है बाबू एक का परमाणु द्रव्यमान विद्यार्थी जी 35 और एक का परमाणु द्रव्यमान 37 है विद्यार्थी जी। तो जरा सोचना है बाबू, कहता है विद्यार्थी जी कि इसका 75% है ना, इसका 75% और उसका विद्यार्थी जी 25%, किस क्या चीज का? तो कह रहा विद्यार्थी जी द्रव्यमान का। क्या चीज का? द्रव्यमान का। तो जरा सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू, बनाओगे तो विद्यार्थी जी विशेष हो जाएगा और शॉर्ट में चलोगे तो ईजी हो जाएगा। अब जरा देखो चेला, इस 35 का 75% विद्यार्थी जी, और कहता हम कहते विद्यार्थी जी कि यहाँ 37 जो लिखा हुआ है वो भी बाबू 35 आप प्लस 2 कर देते हैं, 35 प्लस 2 37 है ना, तो 35 प्लस 2 है विद्यार्थी जी, और उसका 35 का 25% पहले, तो 35 का 25% और 35 का 75%, तो टोटल मिला के कितना? 35 का विद्यार्थी जी 75%, ठीक है, और कहता 35 का विद्यार्थी जी कितना? तो कहता है 20%, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, टोटल यदि ऐड करते हैं तो विद्यार्थी जी ये हमारा हो गया 35, है ना, 35 का 75% और 35 का 25% यदि ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। अब जब हमारा 35 हो गया चेला तो बच गया था कितना, 2 इसका, तो 2 का खाली 25% निकालो कितना, तो कहता 1/2, 2 का 25% कितना 1/2, या तो विद्यार्थी जी क्या लिख सकते हैं 0.5, तो इसलिए विद्यार्थी जी 0.5 क्या करो इसमें ऐड कर दो, 0.0 विद्यार्थी जी 5 है ना, ये वाला ना छोड़िए, तो 0.5, तो क्या हो गया 35 पॉइंट कितना हो गया विद्यार्थी जी 5 हो गया शॉर्टकट में। आकर निकाले जाओगे बाबू तो क्या करोगे, 35 का 75 निकालोगे, उसके बाद 37 का 25 निकालोगे, फिर ऐड करोगे और लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक ना विद्यार्थी जी, इसलिए बाबू जो हम बतला रहे हैं विद्यार्थी जी उसी के अनुसार चलिए, ठीक ना। हाँ जरा विद्यार्थी जी, हाँ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन में विद्यार्थी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में विद्यार्थी जी, ठीक ना। हाँ जी नमस्कार, नेक्स्ट क्वेश्चन में विद्यार्थी जी, अभी लाइव क्लास चल रहा है सर जी, एक मिनट। अब आगे कहता है विद्यार्थी जी कि एक ही, हाँ 96 नंबर में बाबू, एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर बनाते, कहता है चेला कि एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों को परमाणु मिलकर बनाते हैं, तो जरा देखो विद्यार्थी जी, कहता है बाबू तत्वों को सबसे छोटा से छोटा पार्ट यदि करके कनादे बोले थे, यदि छोटा कर दिया जाता है विद्यार्थी जी तो क्या होता है, परमाणु होता है।
डाल्टन ने भी बाद में विद्यार्थी जी कहा परमाणु होता, लेकिन दोनों एक चीज़ गलती कर दिए थे। दोनों कहे थे विद्यार्थी जी कि परमाणु क्या है, अविभाज्य। तो जरा देखिएगा विद्यार्थी जी, कहता है बाबू कि परमाणु विद्यार्थी जी आदि स्वतंत्र है विद्यार्थी जी, तो स्वतंत्र अवस्था में परमाणु रह ही नहीं सकता, तो क्या करेगा, ये हो गया परमाणु, ठीक ना। अब विद्यार्थी जी परमाणु परमाणु मिलकर के ये हो गया विद्यार्थी जी अणु, तो करा एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। आगे नेक्स्ट विद्यार्थी जी, नेक्स्ट कहता है बाबू कि एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक ही साथ मिलकर बना सकते हैं। हाँ, कहता विद्यार्थी जी कि एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर बना सकते हैं। एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर बना सकते, तो सेम ही तो क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, तो सेम क्वेश्चन बाबू कौन सा आंसर, ये विद्यार्थी जी अनु हो जाएगा, है ना। ये बाबू आपका तत्व क्या होता है विद्यार्थी जी, यदि तत्व को तोड़ते जाइए तो क्या बनता है विद्यार्थी जी, ये बनता है बाबू, ये परमाणु में टूट जाता है। अब परमाणु जो क्या होता है स्वतंत्र अवस्था में विद्यार्थी जी, स्वतंत्र अवस्था में ये नहीं रह सकता है, इसलिए विद्यार्थी जी क्या, ये किस अवस्था में रहेगा परमाणु, तो कहता है अणु की अवस्था में रहेगा। किस अवस्था में विद्यार्थी जी, अणु की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी जी कि सी ए ओ में द्रव्यमान के अनुसार सी ए और ओ का अनुपात क्या होता है, तो जरा देखिएगा विद्यार्थी जी, कैल्शियम सी ए और विद्यार्थी जी ऑक्सीजन वाला में क्या होता है विद्यार्थी जी, तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या होता है विद्यार्थी जी, एक मिनट आइए। हाँ, विद्यार्थी जी आपका बाबू ये हो जाएगा सी ए का ना पूछा गया है, तो सी ए का विद्यार्थी जी हाँ 20, तो 20 ये तो परमाणु क्रमांक हो गया। अब विद्यार्थी जी डबल कर दो, इसका डबल हो गया, तो ये हो जाएगा विद्यार्थी जी सी ए है बाबू, इसका परमाणु क्रमांक विद्यार्थी जी 20, और परमाणु द्रव्यमान बाबू कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी, तो 40, ऑक्सीजन का विद्यार्थी जी परमाणु क्रमांक कितना, तो 8, और द्रव्यमान विद्यार्थी जी कितना, तो 16, और 16 को कट करिए तो कट करने पर क्या हो जाएगा, तो कहता है विद्यार्थी जी 8 से काटिए तो ये 5, 8 से काटिए तो ये 2, 5 और 2 का रेशियो कौन मिला, तो ये मिला 5 और 2 का रेशियो ए नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये जरा समझिएगा, कह रहा है एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है, तो जरा देखो चेला, एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है, तो न्यूट्रॉन की संख्या ही अंतर होता है विद्यार्थी जी, यानी कि समस्थानिक किसको कहा जाता है, तो कहता है प्रोटॉन की संख्या बराबर हो, या जेड जेड क्या है, तो बराबर है, तो क्या भिन्न था, तो कहता द्रव्यमान भिन्न है, द्रव्यमान क्या है भिन्न है, और द्रव्यमान किसके कारण से भिन्न है, तो कहता है न्यूट्रॉन के कारण से भिन्न है। तो आइए ऑप्शन में हम लोग देखते हैं विद्यार्थी जी, ऑप्शन कहता है बाबू उनके नाभिक में प्रोटॉन की अलग अलग संख्या, ये गड़बड़ हो गया चेला, प्रोटॉन की अलग अलग संख्या रहेगा विद्यार्थी जी, या तो अलग तत्व रहेगा या एक ही द्रव्यमान के रहेगा विद्यार्थी जी, तो उस क्या कहलाएगा, संभारी कहलाएगा, ये भी गड़बड़ हो गया पहला गड़बड़ विद्यार्थी जी। दूसरा कहता है उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, हाँ ये सही है, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या रहेगा बाबू, तो विद्यार्थी जी आपका ये समस्थानिक कहलाएगा, है ना। अगला नेक्स्ट ही में कहता है विद्यार्थी जी उनके नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या, ये विद्यार्थी जी ये भी गड़बड़ है, इससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, कहता संयोजक इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या,
संयोजक इलेक्ट्रॉन किसको कहा जाता है विद्यार्थी जी? तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इससे भी कोई फायदा नहीं होगा, है ना। अलग अलग तो सब में रहता, तो उससे क्या हो जाएगा? अलग अलग कितना रहेगा? या तो एक रहेगा, दो रहेगा, तीन रहेगा, चार रहेगा, पाँच रहेगा, छः रहेगा, सात रहेगा या आठ रहेगा, यही ना रहेगा। तो उससे थोड़ी डिपेंड करेगा, यानी किस पर समस्थानिक डिपेंड करता है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग रहता था विद्यार्थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, नेक्स्ट लास्ट है विद्यार्थी जी। कहता है बाबू कि पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान अनुपात में उपस्थित होते हैं। तो कहता है किसको में विद्यार्थी जी? तो पानी के बारे में द्रव्यमान उपस्थित रहता है विद्यार्थी जी। तो द्रव्यमान उपस्थित रहता है तो जरा सोचो विद्यार्थी, पहले जल का विद्यार्थी जी सूत्र क्या होता है? H2O। तो बाबू यहाँ पर देखा जाए विद्यार्थी जी, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना? 1। अब 1 हो गया विद्यार्थी जी, लेकिन हाइड्रोजन है कितना? 2 गो, तो 2 से गुना कर दो रेशियो विद्यार्थी जी। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान तो 16 विद्यार्थी जी। हमको किसका किसका रेशियो पूछा है वो भी ध्यान में रखना होगा, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन आगे रखना होगा, है ना। तो यानी कि विद्यार्थी जी 2 और 16 है, कट करके करेंगे बाबू तो कितना? 1 और 8। तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है विद्यार्थी जी, जरा मिलाइए तो। 1 और 8 कौन दे रहा है बाबू? तो हमारा ये दे रहा है विद्यार्थी जी। तो आज का विद्यार्थी जी लाइव क्लासेस यहीं पे एंड करते हैं विद्यार्थी जी। सब शेयर करो बाबू, अच्छा लगता है तो विद्यार्थी जी सब्सक्राइब करो चैनल को, और चेला जी कमेंट वगैरह करते रहिए विद्यार्थी जी, जिससे प्रोत्साहन बढ़ता है विद्यार्थी जी। धन्यवाद विद्यार्थी, चलते।